Hey guys, welcome back to my channel. Today we are going to continue with our methods of asexual reproduction. तो आज हम लोग seventh method देखेंगे that is tissue culture. ठीक है, tissue culture vegetative propagation से थोड़ा different है. ठीक है, it is a modern way of asexual reproduction. थोड़ा ये modern way है. इसमें क्या होता है, in this method a piece of tissue is extracted from a plant. एक plant है, उससे एक पीस टिश्यू का कट किया गया. रिमेंबर किसका कट किया गया, टिश्यू का. ठीक है, अब जिस प्लांट से, जो प्लांट है जिससे वो टिश्यू कट किया गया, अब उस प्लांट को एक्सप्लांट कहेंगे. मतलब इसका यूज हो चुका है. भाई साहब, जैसे एक्स गर्लफ्रेंड होती है ना, उसी तरह से समझो कि एक्सप्लांट हो गया. क्या हो गया, उस प्लांट से टिश्यू को एक्सट्रैक्ट कर लिया गया. नाउ द एक्सप्लांट, जो एक्सप्लांट है उसको एक कल्चर मीडियम में रखा गया इन द लैब टू फॉर्म कैलस. ना अब कैलस क्या भैया, तो देखो कैलस क्या होता है ना, जब अपनी एग्जाम्पल ले लो, जब हमारा हाथ कटता है या फिर होता है ना न्यू टिश्यू फॉर्मेशन होते रहता है हमारे हाथ में, सेल हमेशा हमारा मतलब डेड स्किन सेल्स जिसको कहते हैं, राइट, तो वो निकलता है. तो मतलब समझो एक इसी तरह का सॉफ्ट टिश्यू होता है, जब कोई चीज़ छिल जाता है या कट जाता है उसके बाद जो न्यू आता है उसको कैलस कहते हैं. ठीक है, तो हम लोग क्या किए थे स्टार्टिंग में, टिश्यू को निकाल लिए थे. अब वहाँ पे न्यू आएगा ऑटोमेटिक. ठीक है भाई साहब, प्लांट है, लिविंग थिंग है, तो वहाँ पे न्यू आएगा, कैलस आएगा, न्यूली या सॉफ्ट टिश्यू है वो न्यू आया. अब इस कैलस को कितना दिमाग लगाया जा रहा है, उसको पहले काट लिया गया क्योंकि पता है कि फिर निकलेगा, तो काट लिए. अब उसके बाद वहाँ पे न्यू आया कैलस, उस कैलस को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है हार्मोन मीडियम में. ठीक है, उस कैलस को, ठीक देखो, उस कैलस को हार्मोन मीडियम में डाल दिया जाता है. अब दिस हार्मोन मीडियम विच कॉज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है, जब हम लोग देखें प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट चैप्टर क्लास 11 में जो था, उसमें हम लोग देखे थे ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनेसिस, देर आर सेवरल हार्मोन्स जो क्या करता था. तो वही हार्मोनल मीडियम में किस तरह का ग्रोथ चाहिए, गिर्थ में चाहिए, लेंथ में चाहिए, तो इस तरह के मतलब सब कुछ देख करके अपने अकॉर्डिंग. यहाँ पे प्लांट खुद के अकॉर्डिंग नहीं होगा, नेचर के अकॉर्डिंग नहीं होगा, मेरे अकॉर्डिंग होगा, जहाँ पे जो लोग बना रहे उसके अकॉर्डिंग, ह्यूमन के अकॉर्डिंग लैब में होगा, इसलिए इसको मॉडर्न मेथड कहा जाता है. अब वो हार्मोनल मीडियम में जा करके ग्रोथ और डेवलपमेंट करेगा, जिसका एग्जाम्पल होता है ऑर्किड और ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ठीक है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स और ऑर्किड्स इसका एग्जाम्पल होता है. ये पूरा समझ में आया, टिश्यू कल्चर क्या होता है कि एक पीस टिश्यू का किसी भी प्लांट से निकाल लिया गया. अब वो प्लांट को, टिश्यू निकाल लिया गया उसका स्टोरी ख़त्म. अब उस प्लांट से एक्सप्लांट जिसको कहें, अब इस एक्सप्लांट को जिससे निकाला गया एक्सप्लांट, उसको एक कल्चर मीडियम में रख दो लैब में. ठीक है, अब वहाँ पे कैलस बनेगा, जो पार्ट निकाले थे वहाँ पे ऑब्वियस है न्यू टिश्यू फॉर्म होगा जिसको कैलस कहेंगे. अब उस कैलस को ट्रांसफ़र कर दोगे हार्मोन मीडियम में, जिससे फिर वो ग्रोथ और डेवलपमेंट हो जाएगा. ठीक है, तो देख रहे हो पूरा मॉडर्न वे में हमारे अकॉर्डिंग हो रहा है, इसलिए इसको मॉडर्न मेथड कहा जाता है. ठीक है, इसका एग्जांपल ऑर्किड और ऑर्नामेंटल प्लांट है. इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट यू कैन, और इसका और प्रॉपर नोट्स है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. सो गाइज, वो हमारा जितना भी मेथड्स था वो कंप्लीट हो गया. सेवन मेथड्स वर देयर ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वो कंप्लीट है. नाउ एक लास्ट टॉपिक है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, उसके बाद हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जाएंगे. तो वो है हमारा टेरर ऑफ बंगाल. इट इज़ गिवन इन NCERT बुक, सो इट इज़ इंपॉर्टेंट टू कवर इट अप. सो टेरर ऑफ बंगाल किसको कहते हैं, वाटर हयासिंथ. ठीक है, वाटर हयासिंथ. गाइज अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो प्लीज़ चेक इट आउट फ्रॉम द बुक. वाटर हयासिंथ इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल. इफ़ यू हैव सीन माई प्रीवियस वीडियोज, सो उसके एक में था ऑफसेट. ठीक है, ऑफसेट का ये एग्जाम्पल होता है वाटर हयासिंथ. हम लोग उसको ट्रिक से याद किए थे कि वाटर हयासिंथ भैया टेरर ऑफ बंगाल था, तो ये थोड़ा अपसेट वाला रीज़न था. अब देखो ये अपसेट का रीज़न कैसे है. वाटर हयासिंथ एक्चुअली क्या करता है, एक प्लांट होता है, एक्वाटिक प्लांट है, जो कि पूरे वाटर में, रिवर में पूरा फैल गया था. ठीक है, और ये फैल के क्या करता था, फैलता था सरफेस पे, और साथ साथ ऑक्सीजन जो होता है पानी के अंदर डिजॉल्व, उसको ड्रेन कर लेता था, इसको पूरा एब्जॉर्व कर लेता था, उसको पूरा ही एब्जॉर्व कर लेता था. और पूरा एब्जॉर्व करने के बाद अब पानी में भैया ऑक्सीजन रहना ज़रूरी है. क्यों, क्योंकि जितने भी लिविंग हमारे पास एक्वेटिक एनिमल्स है वो भी तो पानी से ही सांस लेते हैं ना, पानी में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होता है उससे.
तो अब ये ऑक्सीजन सारा ड्रेन कर लेगा, तो एक्वेटिक प्लांट जो है फिशेस है ठीक है, वो और क्या बोलते हैं ज़ूस्टेरास है जिसको सी ग्रास कहते हैं, वो सब ऑक्सीजन कहाँ से ले पाएगा ठीक है। तो ये टेरर ऑफ बंगाल, बंगाल में एक बहुत बड़ा मुसीबत बन रहा था ये वाटर हायसिंथ। सो बस इसके बारे में ये पढ़ना था कि विच इज़ नोन एज टेरर ऑफ बंगाल, तो वाटर हायसिंथ ये एक्चुअली क्या करता है, तो ये वाटर से ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेता, मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है ठीक है, वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है। सो बस यही, उसके बाद हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हुआ, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में चलेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।